ऐसा लगता है कि टीवी कपल्स को किसी की नजर लग गई है। तभी तो पहले एक्ट्रेस जूही परमार और सचिन श्रॉफ के अलग होने की खबरें आईं, और फिर बाद में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की दूसरी शादी टूटने की खबरों से फैंस हिल गए थे। और अब इसी कड़ी में एक और टीवी कपल के अलग होने की खबरें टेली हेडलाइन बन गई हैं। जी हाँ, टीवी का एक और कपल डिवोर्स ले रहा है, और वो कपल है टीवी के फेमस एक्टर किरण कर्मरकर और उनकी पत्नी रिंकू। रिपोर्ट्स की माने तो शादी के 15 साल के बाद फाइनली किरण और रिंकू ने अलग होने का फैसला ले लिया है। कहा जा रहा है कि दोनों पिछले करीब एक साल से अलग रह रहे हैं और बहुत जल्द इनका तलाक भी हो जाएगा। इसके अलावा जब एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने किरण से इस बारे में पूछा तो उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी रिंकू से अलग हो रहे हैं और दोनों का ये डिसीजन उनका म्यूचुअल डिसीजन है। हालांकि ये दोनों क्यों अलग हो रहे हैं इसको लेकर तो कोई खास जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिनके मुताबिक दोनों के बीच ऐसे कई पर्सनल मुद्दे थे जिन्हें वो सॉल्व नहीं कर पाए और आखिरकार अब दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि एकता कपूर के शो कहानी घर घर की के सेट पर इन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। इस शो में दोनों ने भाई बहन का रोल प्ले किया था, जहां से इनके बीच प्यार की शुरुआत हुई और फिर शादी। और अब शादी के 15 साल के बाद दोनों का तलाक होने वाला है।